नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में मौसम अजब गजब अटखेलियां दिखा रहा है। कहीं धूप से लोग परेशान हैं, तो कहीं बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ही जिले में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के कारण उमस भरी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बिहार के जिस इलाके में आम लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को बारिश की उम्मीद ज्यादा है। इस बीच बिहार के मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत ही उत्तरी बिहार में अगले चार दिन आंधी पानी के साथ ठंड का गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण बिहार के लोगों को अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण बिहार में उमस भरी गर्मी का दौर चलता रहने वाला है। यहाँ पर छिटपुट जगहों पर आंधी पानी के आसार जताए गए हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो इस दौरान कमोबेश पूरे बिहार में 30-40% प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। वहीं दक्षिणी बिहार में उमस भरी गर्मी का दौर रहेगा, जिसके तहत ही यहां छिटपुट जगहों पर आंधी पानी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के रास्ते एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, इसी की वजह से इस क्षेत्र में चक्रवाती कम दबाव का केंद्र उत्तर बिहार बन गया है। पूर्वैया हवा चलने से उमस भरी गर्मी से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। बुधवार की ही बात करें तो दिन भर गर्मी और उमस से परेशानी देखने को मिली, लेकिन शाम ढलते ही बिहार के कई जिलों में आंधी पानी आने के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। दोपहर में अधिकतम तापमान के कारण लोगों को दिन भर चिपचिपाहट भी झेलनी पड़ी, हालांकि शाम के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून सीजन के पहले महीने जून के दरमियान उत्तर पश्चिमी बिहार में सामान्य से अधिक और दक्षिणी बिहार के झारखंड से सटे बिहार के जिलों में सामान्य से कुछ कम बारिश होने की आशंका है। सबसे बड़ी मौसमी उठापटक जून में देखने को मिलने वाली है। 15 जून से पहले जहां बिहार तपा करता था, इस साल ऐसी परिस्थिति अब तक तो बनती दिखाई नहीं दे रही है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में बिहार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम ही रहने के आसार है, यानी कि बिहार के एक इलाके में जहां लोगों को गर्मी की मार का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं एक दूसरा इलाका है जहां पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बिहार के मौसम में आधा इलाका धूप की तपिश झेल रहा है, तो वहीं एक इलाका राहत की सांस ले रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम कौन कौन सी नई अटखेलियां दिखाता है, ये तो समय ही बताएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।